खरगोन जिले के कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ दो कर्मचारियों में कोरोना महामारी के लक्षण मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि खरगोन जिले में कोरोना महामारी ने अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि आम जन बुरी तरह त्रस्त दिख रहा है। वहीं महामारी से बचने को लेकर शासन प्रशासन स्तर पर लगातार कोशिशें जारी है, बावजूद उसके कलेक्टर कार्यालय में दो कर्मचारी संक्रमित पाए गए। इसी के चलते कलेक्टर कार्यालय के तकरीबन 100 से अधिक लोगों की कोविड जांच करके रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिससे महामारी को बढ़ने से रोका जा सके। बहरहाल जांच रिपोर्ट के बाद खुलासा होगा कि संक्रमितों के आंकड़े में कितना इजाफा हो पाता है। खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। इस जांच का कोविड टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है स्क्रीनिंग करना, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, अधिकारी है, कर्मचारी या जो भी हो पब्लिक का, कि अगर सस्पेक्टेड है तो अगर हम पहले ही पता कर लें स्क्रीनिंग के द्वारा कि कोई कोविड पॉजिटिव है, तो एक तो वो स्वयं सावधान हो जाएंगे, समय पर उपचार मिल जाएगा उन्हें, और अन्य लोगों को उनसे संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा। तो आज जो जांच की जा रही है कलेक्टोरेट में, उसके का विषय मुख्य उद्देश्य है आमजन को जागरूक करना और कोविड का जल्द से जल्द पता लगाना। तो अभी कितने सर जांच की जाएगी इसमें अधिकारी के रूप में? अभी लगभग 100 के लगभग तो है, 100 के लगभग जांच की जानी है। अच्छा, सभी अधिकारी कर्मचारी जांच की जा रही है सर? जी हाँ। तो कौन का कलेक्टर का ऑफिस में कर्मचारी का आया था कोरोना? हाँ, अगर जैसे कोई पॉजिटिव आता है तो उनके संपर्क में आने वालों की जांच की जाती है। लेकिन ये तो पॉजिटिव थे, इनके घर से इनकी पत्नी भी थी, इनकी माँ भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ऑफिस में बिना मास्क के भी देखे गए, कर्मचारियों के साथ में रहे। आम आदमी पर इसके लेकर कार्रवाई होती है, एक्सेप्ट एसिम की कार्रवाई संभव बनती है। वो एसिम्टोमेटिक थे और उनका एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आया था, तो कोई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर सिम्टोमेटिक होता है तो उसका फिर हम सैंपल भेजते हैं, और उसके बाद में दूसरे दिन उनको RT-PCR भी उनको लगा, क्योंकि एंटीजन नेगेटिव था तो RT-PCR के लिए भेजा गया था। एक तो ऑफिस में आना कोई गलत नहीं है, क्योंकि एंटीजन नेगेटिव थे और वो एसिम्टोमेटिक थे। एक जांच नेगेटिव आ चुकी थी ना उनकी? एक जांच नेगेटिव थी। ठीक। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।